हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो अगर आप हेयर के प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं, खासकर हेयर फॉल से, तो एक रेमेडी जो आज मैं बताने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप दो बार ही यूज़ करेंगे, मतलब पहले यूज़ से ही आपको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अपने बालों को हेल्दी और हेयर फॉल फ्री बनाना चाहती है तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है। तो हमें लेना है कोकोनट ऑयल, जी हाँ, नारियल का तेल लेना है आपको, जो भी आप यूज़ करते हैं। और एक लेना है विटामिन ए की कैप्सूल, देखिए ये वॉन है, काफ़ी 25-26 रुपए में मिल जाएगा आपको, उसकी पूरी एक पत्ती आपको 25-26 रुपए मिल जाएगी। और एक लेनी हमें स्टील की कटोरी, जी हाँ, हमें कोई और अदर कटोरी नहीं लेनी, क्योंकि हमें इसे गर्म करना है, तेल को माइल्ड हीट हमें करना है, थोड़ा सा गर्म। तो अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आप इस कटोरी में जी हाँ तेल को डालें, कोकोनट ऑयल को डालें। उसके बाद डबल हमें डबल हीट करना है, यानी कि एक हमें बेस चाहिए, यानी कि चाहे आप तवे पे यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह के आपके पास सामान है आप उस पर रख के भी हीट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास तवा तो है ही, आप उस पर रख के आप उसे हल्का सा हीट करना है, जी हाँ माइल्ड हीट करना है। आपको फिंगर के हेल्प से देख लेना है उसे टच करके कि गर्म हो गया, जी हाँ अब हमारा यहाँ पर गर्म हो गया। अब हमें गैस के फ्लेम को करना है ऑफ। ये काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है, जी हाँ, अगर आप इसे ट्राई करेंगे इसके फर्स्ट यूज़ से ही आपका हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपके न्यू हेयर ग्रोथ भी आने शुरू हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है देख लेना है, हमें थोड़ा सा ही गर्म करना है, उसके बाद हमें अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग स्किन में से हमें कैप्सूल निकालनी है। हमने यहाँ पर 4 कैप्सूल लिया है क्योंकि हमारा मीडियम लेंथ बाल है, अगर आपके लॉन्ग है तो आप 5 ले सकती हैं। उसके बाद हमें इसे साइड से कट करना है और इसमें से जितने भी ऑयल इसके अंदर कैप्सूल के हैं वो हमें कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करना है। अब हम इसे यहाँ पे देखिए एक सीजर की हेल्प से हम इसे कट करेंगे। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 कैप्सूल ले लिया, हमने कट कर लिया है और हम इसके अंदर का ऑयल, कैप्सूल के अंदर का ऑयल हम इस कोकोनट ऑयल में मिक्स कर देंगे। इसी तरह हमने 4 काटना है और 4 अच्छे से चम्मच की मदद से हमें उसमें मिक्स कर लेना है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी, आपके हेयर फॉल जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहले ही यूज़ से अगर आप इसे महीने में 4 बार यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और न्यू हेयर ग्रोथ आपके आने शुरू हो जाएंगे। बाकी भी और जितने भी प्रॉब्लम है हेयर के आपके सब ख़त्म हो जाएंगे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मैं इसे रेगुलर यूज़ कर सकती हूँ, इज़ वेरी इफेक्टिव। तो हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और अपने बालों पर अच्छे से लगा लेंगे और लगा के हमें आधे घंटे आपके पास टाइम है तो छोड़ दें, फिर ज़्यादा 1-2 घंटे भी अगर आपके पास नहाने के ठीक पहले आपको 1-2 घंटे इसे यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अच्छे से स्कैल्प पे लगा के कुछ क्लचर की हेल्प से एक बन बना ले और 1-2 घंटे रखिए। उसके बाद आप हेयर वॉश कर ले, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं तो देखेंगे आपकी जो हेयर फॉल की समस्या है वो तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म ही हो जाने वाली है और एक हेल्दी हेयर आपको मिल जाएगा। काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है, होप मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद और हेल्पफुल लगे। अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो मेरे इस वीडियो को करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, ऐसी ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए। तो एक बार आप इस रेमेडी को, होम रेमेडी काफ़ी आसान रेमेडी, ऑयलिंग तो वैसे भी हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ऑयलिंग में आपको सिर्फ ये कैप्सूल मिलानी है और आप देखेंगे आपके बालों के जितने भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो या फिर जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।